हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेबी ब्लैंकेट को कैसे बुनें। तो इसके लिए मैंने चार प्लाई की ऊन का यूज़ किया है और अपना जो है 3 mm का मैंने क्रोशिया हुक लिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मोटी ऊन लेंगे और उसके हिसाब से ही आपको क्रोशिया हुक पर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चेन लेंगे। चेन आपको उतनी लेनी जितनी आपको बेबी ब्लैंकेट की जो आपको चौड़ाई रखनी है उतनी आपने चेन लेनी है, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसमें 18 चेन ले रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये पैटर्न बताना है। तो मैं 18 चेन लेके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी 18 चेन हो गई है। अब हम जो इस वाली जो हमारी ये चेन है इसे थोड़ा सा लूज़ कर देंगे और 1 चेन स्किप करके सेकंड में हम क्रोशिया को अंदर ले जाके उनको बाहर ले आएंगे इस तरीके से। ये देखिए, थर्ड चेन में भी हमने ऐसे ही करना है, ये देखिए। और जो हम ये ऊन को बाहर लेके आ रहे हैं इसे अंगूठे की मदद से दबा के रखना है ताकि ये बार बार बाहर ना निकले। ये देखिए, हमें नेक्स्ट चेन में भी यही करना है, हमें यही रिपीट करते जाना है यहाँ तक। तो मैं ये करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे ऊन को क्रोशिया को मिल जाते हुए इसमें 1 चेन को स्किप करेंगे इस तरीके से। देखिए, फर्स्ट में हमें 1 चेन करनी है, इसके बाद हमने 2 को स्किप करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपने जो आपकी सेकंड रो है इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए, टू जो हमारे ये सिंगल क्रोशिया है इनको हमें स्किप करते जाना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जो हमारी सेकंड रो है ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारी ये वाली लाइन आई है, ये देखिए, ये वाली जो ऊपर की तरफ हमारी ऊन उभर रही है इसमें क्रोशिया हुक ले जाना है और फिर से ऊन को बाहर निकालना है। ये देखिए, जो हमारी उभरी हुई ऊन है इसमें क्रोशिया हुक ले जाते हुए हमें बाहर ले आना है। ये हमें 4 टाइम करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 टाइम ये बाहर से ले जाते हुए 5th टाइम अब हमें क्रोशिया हुक को अंदर ले जाना है। ये देखिए, जो हमारे पास ये होल है इसमें हमें क्रोशिया हुक को अब अंदर ले जाना है 5वीं बार में। ये देखिए, 6ठी बार में भी हमें सेम ये क्रोशिया हुक को पीछे की तरफ ले जाते हुए उनको फ्रंट में ले आना है। ये देखिए, 4 हमारे फ्रंट से हमने क्रोशिया हुक में ऊन ली है और 2 टाइम हमने ऊन को क्रोशिया हुक से पीछे की तरफ से फ्रंट में लाया हुआ है। ये देखिए, 2 टाइम हो गया। अब इसके बाद हमें दोबारा से ये जो हमारी उभरी हुई ऊन है इसमें हमें ऊन को ऐसे फ्रंट से ले लेना है। ये देखिए, अगेन हमें 4 टाइम ही ये करना है।
तो ये 2, 1, 2, 3, अगेन 4, ये देखिए ये हमारे दोबारा से 4 जो स्टिचेस हैं वो हो गए हैं। अब फिफ्थ स्टिचेस में हमें क्रोशिया हुक को पीछे से ले जाते हुए उनको फ्रंट में लेके आना है, ये देखिए। और सिक्स में भी हमें यही करना है, ये देखिए। इसके बाद हमें दोबारा से फ्रंट में रिपीट करना है, 4 टाइम हमें फ्रंट से रिपीट करना है उनको, और 2 टाइम हमें इसे बैक से रिपीट करना है, ये देखिए। 2, 3, सॉरी ये 4, ये देखिए ये 2 हमने बैक से लिए थे ना उनको, ये 4 टाइम हमने फ्रंट से लिया है, ये देखिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टिच में बैक से उनको फ्रंट में लेके आना है, ये देखिए। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें बैक से फ्रंट में लाना है, और इस तरीके से 4 टाइम हमें फ्रंट से लेके आना है, ये देखिए। ये देखिए ये हमारी थर्ड रो हो गई है। अब हम जो है इसे अगेन स्किप करेंगे, ये हमने फर्स्ट स्किप किया, ये हमने 2 जो हमारे स्टिचेस हैं उन्हें स्किप किया, अगेन 2 स्टिचेस स्किप किए हमने, और अगेन 2। ये देखिए अब हम वहाँ पहुँचे जो हमने बैक साइड से 2 हमने स्टिचेस जो लिए थे, यहाँ पे पहुँच के हमें इन दोनों को एक साथ स्किप करना है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। दोनों स्टिचेस को जो हमने बैक साइड से लिए थे कुछ इस तरीके से, अब हमें दोबारा से स्किप करना है, ये देखिए 2 को। जैसे एक हमारी ये स्टिच हो गई, एक हमारी ये स्टिच हो गई, इन्हें स्किप करना है। लेकिन जब हम ये देखिए एक हमारी ये वाली स्टिच हो गई और एक ये, इन दोनों को स्किप करना है। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं जो स्टिचेस हमने बैक साइड से लिए थे, इनमें से हमें दोनों को साथ में स्किप करना है, यानी कि 3 को, 1, 2, 3। बाकी हमने 2 टाइम स्किप करना है, ये देखिए। लेकिन जो हमने ये स्टिचेस बैक साइड से लिए हैं, यहाँ पे हमें इसे 3 स्टिचेस को स्किप करना है, ये देखिए। बाकी टाइम हमें 2 स्टिच को स्किप करना है जो हमने बैक साइड से लिया है, इसमें हमें 3 स्टिच को स्किप करना है, ये देखिए। कुछ इस तरीके से आपकी जो फोर्थ रो है ये कंप्लीट हो जाएगी, ये देखिए। अब आपको अगेन फ्रंट वाला जो हमारा ये ऊन है, इसमें क्रोशिया हुक को अंदर ले जाते हुए उनको बाहर ले आना है, ये देखिए। 4, ये देखिए 4 टाइम। अब अगेन आपको इसमें क्रोशिया हुक को बैक की तरफ ले जाते हुए उनको अंदर ले आना, देखिए कुछ इस तरीके से। अब जो हमारे ये 2 बैक के स्टिचेस है, इसको क्रॉस करके नेक्स्ट वाले होल में हमें क्रोशिया हुक को ले जाते हुए उनको बाहर ले आना है, देखिए। अब अगेन हम फ्रंट में लेंगे, सॉरी सही है, ये देखिए फ्रंट से 1,
टू थ्री, ये फोर, ये देखिए फोर के बाद हमें फिर से क्रोशियो को बैक ले जाते हुए उनको फ्रंट में लेके आना है, ये देखिए। उसके बाद अगेन हमें फ्रंट जो हमारी ऊन है इसमें हमें फोर टाइम स्टिचेस लेने हैं, टू थ्री फोर, ये देखिए सेम आपको वैसे ही इसे बैक साइड में लेके जाना है हुक को, ये देखिए, और उनको फ्रंट में लेके आना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पैटर्न आराम से समझ आ रहा होगा। बाकी आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ये देखिए अब अगेन हमें इसे वैसे ही स्किप करते जाना है। फर्स्ट जो हमारी स्टिच है उसको सिंगल स्किप करना है, उसके बाद टू टू में इसे स्किप करना है, टू स्टिचेस में, ये देखिए। बहुत ही अच्छा बेबी ब्लैंकेट का जो ये पैटर्न है ये उभर के आता है। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे जो हमने बैक साइड से लिया इसमें हमें तीन स्टिचेस को एक साथ लेना है, बाकी टाइम हमें टू स्टिचेस लेने हैं। लेकिन जो हमने बैक साइड से टू स्टिच लिए इनको हमें एक साथ में स्किप करना है, ये देखिए। कुछ इस तरीके से ये देखिए जो हमारा ये पैटर्न है ये इस तरीके से बनेगा। तो जो इसकी लेंथ रहेगी, इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी रखनी है। तो उसी हिसाब से आपने इसकी जो चेन है वो भी लेनी है, जितनी आप चेन जो हमारी लेंगे हम जितनी उसकी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। बस आपको इसी सेम पैटर्न में से बुनते जाना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका जो डिज़ाइन उभर के आया है, ये देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।